गुड मॉर्निंग। आज एक हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, कल वो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब एक नया चैप्टर है विच इज़ सेकंड चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या क्या है। साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये छः जो हमारे फंक्शन है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इनवर्स। इनवर्स इसका मतलब इन सब के इनवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनवर्स को डिनोट करते हैं, अगर इसकी पावर माइनस वन है इट मीन्स के वो इसका इनवर्स है। साइन है, साइन इनवर्स को ऐसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए 10th क्लास में जो इसकी टेबल है, तो वो भी आनी चाहिए। 10th में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है वो सारी आनी चाहिए। टेबल इट मीन साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की क्या है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट 11th में जो आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है अपने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा है, कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ा है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इट मींस के जो साइन इनवर्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाइक करेगी। जैसे सपोज करो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन 90 की क्या हो जाएगी, वन। ऐसे ही इसकी जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ तक वैल्यू निकल सकती है हमारी, और इनवर्स में कहाँ तक निकल सकती है, तो वो टेबल पता होनी चाहिए हमें, इंटरवल पता होना चाहिए किस किस के बीच में लाई करेगी। तो पहले वही देख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक लाई करेगी। उससे आगे या उससे पीछे जाओगे तो वो वैल्यू फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इंटरवल हमारा बस यही रहेगा। कॉस इनवर्स की ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जीरो टू पाई। कॉस एक की क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो। अभी माइनस जीरो क्या है यहाँ पे, कि जो जीरो वैल्यू होगी कॉस एक में उसको हटा के बाकी जो इंटरवल, बाकी जो वैल्यू हुई इस इंटरवल पे लाई करेंगे, बस जीरो को हटा के। जीरो को क्यों हटाना है, कॉस एक्स जीरो कब होगा, इन्फिनिटी पे, जो कि इसके अंदर लाई नहीं करता, तो इसलिए हम जीरो को क्या कर देंगे, जीरो को इसमें से हटा देंगे और बाकी जो है वो क्या है, ये टेन इनवर्स की होगी, कसेक की होगी, कॉट की ये होगी। अब इसमें से देखो कॉट, सेक और कॉस, इन तीनों की जो वैल्यू है, ब्रांच वैल्यू है, वो क्या है हमारी, पॉजिटिव में है। इट मीन्स इनकी जो वैल्यू आएंगी, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आ सकता। अगर किसी क्वेश्चन में आगे हम अगर सॉल्व करते हैं आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इनमें हम देखेंगे सभी में कि जो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है वो इनके, अगर सपोज़ कर क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है, साइन का आंसर इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्लस माइनस करेंगे और इनके बीच लेके आएंगे, वही प्रिंसिपल वैल्यू हमारी। क्वेश्चन करते हैं इसके, देखो एक दो। जैसे कि पहले दिया हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इसे सॉल्व करोगे साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन, साइन वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन थर्टी विच इज टू पाई बाई सिक्स, थर्टी साइन पाई बाई सिक्स। माइनस को यहाँ पे लेके आओगे तो साइन माइनस पाई बाई सिक्स हो गया। अब देखो ये जो माइनस पाई बाई सिक्स है ये साइन इनवर्स के इसके बीच में लाइक करता है, माइनस पाई बाई टू और पाई प्लस पाई बाई टू के बीच में, तो इसका मतलब ये इसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है, तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच गया सिर्फ आंसर माइनस पाई बाई सिक्स विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू
टू पाई बाई टू, यही हमारा आंसर है। अगर ये इसके बीच में लाइन नहीं करता, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में लाइन नहीं करता, तो फिर हम कुछ और करते हैं, इसमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं इसे एक दो, जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, कॉस में वन बाई टू किसकी होती है, पाई बाई थ्री सिक्सटी की, माइनस को यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई थ्री, लेकिन माइनस इसकी जो वैल्यू है कॉस की वो इनवर्स की जो मैंने बताई थी आपको जीरो टू पाई, इसमें माइनस की वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब अब ये माइनस का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी इसकी, इसमें फिर हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, माइनस जो कॉस है इसको प्लस बनाएंगे। प्लस कैसे बनाओगे, हमें क्वाड्रेंट में देखना है किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है जिसमें पाई में से माइनस कर देते हैं थीटा को, तो वही करना है हमें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय थ्री, ये प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे टू पाई बाई थ्री आ गया, टू पाई बाई थ्री अब लाई करता है इसके बीच में जीरो टू पाई, तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, टेन इनवर्स वन, वन किसकी होती है, टेन में पाई बाई फोर की, कॉस में वन बाई टू माइनस पाई बाई थ्री, और साइन में वन बाई टू पाई बाई सिक्स। अब साइन में नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कॉस में नहीं हो सकती, इसको फिर ऐसे ही जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बनाया वो पॉजिटिव करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बस यहाँ पे पाई बाई फोर, इन्हें सॉल्व करोगे पाई माइनस पाई बाई थ्री को, क्या आ गया टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पे माइनस पाई बाई सिक्स, इनका एलसीएम लेके ट्वेल्व आ गया, फोर से डिवाइड करोगे थ्री, थ्री मल्टीप्लाई पाई थ्री पाई, सॉल्व करके क्या आ गया ये नाइन पाई बाई ट्वेल्व, नाइन पाई बाई ट्वेल्व। अब इसको सॉल्व करोगे, काट लोगे सर, यहाँ पे थ्री से काटोगे थ्री आ गया, यहाँ पे फोर आ गया, जो आंसर आ गया हमारा थ्री पाई बाय फोर, यही हमारा आंसर है। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।